व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो? 6 महीने से घर में बैठे हो, बढ़िया ही हो गए? हाँ, लगा दिया झाड़ू। मैंने बचपन से शॉर्ट स्पाइक्स की हेयर स्टाइल रखी थी। मैंने बचपन से शॉर्ट स्पाइक्स की हेयर स्टाइल रखी थी, जब तक पिछले साल मैंने अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी शुरू करी और अब मुझे लगभग 1 साल हो गया है बाल लंबे करते हुए। इस 1 साल में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेयर की ऑयलिंग से लेकर आफ्टर हेयर वॉश तक सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मेरा टिप नंबर 1 है, अप्लाई ऑयल एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक। जिस तरह हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे बाल की जो इंडिविजुअल बॉडी है उसे ग्रो और शाइन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो ऑयलिंग उसे प्रोवाइड करती है। मैं अपने ऑयलिंग रूटीन के साथ बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे स्कैल्प ड्राइनेस फील हुआ करती थी और जिसकी वजह से मैं हमेशा शॉर्ट हेयर प्रेफर करता था। पर अगर आपको भी अपने बाल लंबे करने हैं तो आपको अपने ऑयलिंग रूटीन के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मैं पर्सनली आलमंड और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके लगाता हूँ ताकि मैं अपने बालों को हर टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकूँ। एक चीज़ जो मैं करता हूँ और जो आप भी कर सकते हैं ऑयल लगाने से पहले, वो ये कि आप अपने ऑयल को लगाने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि उबलता हुआ सा गर्म, पर हाँ थोड़ा बहुत गर्म, जिससे वो ऑयल आपके हेयर के पोर्स और क्यूटिकल्स को खोल देगा और अच्छे से हेयर को अब्सॉर्ब कर पाएगा। मैं यूजुअली रात को तेल लगा के सोता हूँ एंड देन सुबह को उठ के उसे वॉश कर लेता हूँ। मेरा टिप नंबर 2 है, यूज़ रूम टेम्परेचर वाटर ऑन हेड। मैं पर्सनली ये गलती कर चुका हूँ कि गर्मियों में मैं कहीं बाहर से होकर आता था तो शॉवर लेते हुए मैं एक्सट्रीम ठंडा पानी अपने बालों में डाल लेता था, या सर्दियों में मैं स्कूल जाता था तो मैं सुबह सुबह को जल्दी नहाने के चक्कर में गर्म पानी अपने सर पर डाल लेता था। ये सारी गलतियाँ मैं पर्सनली कर चुका हूँ। अरे कहना क्या चाहते, आपके जो बाल हैं वो आपके हेयर की स्कैल्प से जुड़े हुए हैं और आपकी हेयर की जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट स्किन है, इसलिए ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा पानी आपकी हेयर क्वालिटी को लॉन्ग रन में अफेक्ट कर सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू। देखिए, अगर आप अपने बालों की क्वालिटी के बारे में सही में कंसर्न्ड हैं और आप सही में अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगली बार जब आप अपना शैम्पू खरीदने जाएं तो उसके अंदर एक चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि उसके अंदर पैराबेन और सल्फेट केमिकल्स यूज़ ना किए गए हों। हमारी स्कैल्प नेचुरली एक ऑयल प्रोड्यूस करती है जो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखती है। ये वाले केमिकल्स उन ऑयल्स को भी वॉश कर देते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपकी स्कैल्प को ड्राई कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वही शैम्पू यूज़ करें जिसके अंदर पैराबेन और सल्फेट केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ अ कंडीशनर। जब आप शैम्पू करते हैं तो वो आपकी स्कैल्प से डर्ट के साथ साथ मॉइस्चर भी निकाल देता है। उसी के साथ साथ जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी स्कैल्प पे होते हैं वो हमारे हेयर के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और उसी के साथ साथ उसे मॉइस्चर करने के लिए हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। अब आपको हफ्ते में कितनी बार कंडीशनर यूज़ करना चाहिए वो आपके बालों की लंबाई और आपकी स्कैल्प टाइप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है और आपके बाल छोटे हैं तो आप हफ्ते में एक बार कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह अगर आपकी स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई है और आपके बाल थोड़े से लंबे हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार कंडीशनर का यूज़ करना चाहिए। मेरा लास्ट पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग हेयर ड्रायर्स। देखिए, हीट आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, भले ही वो आप गर्म पानी से लो या ड्रायर से। डेली ड्रायर्स यूज़ करना एक हेल्दी ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको फिर भी डेली ड्रायर्स को यूज़ करना है तो आप वो वाले हेयर ड्रायर्स यूज़ करो जिसके अंदर कोल्ड एयर वाला ऑप्शन होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।